बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत ही कारगर उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर आप परेशान हो चुके हैं, किसी बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द रोगों से मुक्ति मिलेगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करते वक्त आपको समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रात्रि 9:15 पर यानी 9:15 आपको ये उपाय करना है। महादेव जी का अभिषेक करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय आप बीमार व्यक्ति के नाम से महादेव जी का अभिषेक करें और घी का दीपक भी लगाएं। अगर पास में मंदिर है तो आप मंदिर जाकर इस उपाय को करें, अन्यथा आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर ये उपाय बीमार व्यक्ति खुद कर सकता है तो जरूर करें, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति भी इस उपाय को बीमार व्यक्ति के नाम से कर सकता है। जब आप महादेव जी का जल से अभिषेक कर रहे हैं तो उस जल में आपको आंवला जरूर डालना है। आंवला सूखा हो या गिल्ला, किसी भी प्रकार का अगर आपको आंवला मिल जाता है तो आप जरूर डालें, अन्यथा आप आंवले के पेड़ की पत्तियां तोड़कर भी जल में डाल सकते हैं। फिर बीमार व्यक्ति के नाम से महादेव जी का अभिषेक करें। ये उपाय आपको लगातार 3 या 5 दिन तक करना है। उपाय करते ही आपको असर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से आप परेशान हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द बदलाव महसूस होगा। अभिषेक करने मात्र से ही महादेव जी अपने भक्तों के सारे संकट दूर कर सुखमय जीवन प्रदान करते हैं और रोग मुक्त, कष्ट मुक्त कर देते हैं। बस उपाय को करते वक्त भक्त के मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा भाव से अगर कोई भी भक्त महादेव जी के नाम का स्मरण करता है तो महादेव जी किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की बाधा से आप परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करते ही हाथों हाथ आपको फल देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।